केंद्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को घर द्वार तक पहुंचाने के लिए जिला भाजपा आगामी दिनों में काम करेगी। हमीरपुर जिला भाजपा के सर्किट हाउस परिसर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने की। इस अवसर पर एचआरटीसी निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। बैठक में आगामी दिनों में भाजपा को मजबूत करने के साथ साथ अगले साल होने वाले चुनावों के लिए रणनीति तैयार की गई, तो प्रदेश सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए खाका तैयार किया गया। जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने बताया कि जिला स्तरीय बैठक में आगामी दिनों के लिए रूपरेखा तैयार की गई है और आने वाले साल में विधानसभा चुनावों के लिए भी योजना बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे, इसलिए भी भाजपा ने योजना तैयार की है, जिससे हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा रही है ताकि योजनाओं का लाभ सभी को मिले। इसके साथ ही हमीरपुर जिला में पांचों विधानसभा की सीटों पर भी भाजपा का कब्जा हो, इसलिए भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। पार्टी के जिला के पदाधिकारी की बैठक थी, जिसमें जिला के पदाधिकारी बुलाए थे, मोर्चों के अध्यक्ष और एमएलए एक्स एमएलए। पीछे जो कार्यक्रम दिए थे उसकी समीक्षा बैठक थी, क्या क्या कार्यक्रम पीछे आपने किए, उस पर चर्चा की गई। इस तरह पार्टी का स्थापना दिवस था 6 अप्रैल को, उसको मनाया गया। और जो आगे कार्यक्रम जो 13-14 तारीख का कार्यक्रम हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनानी है, उसके बारे में चर्चा हुई। और सबका जो प्रवास कि जिला का प्रवास, जिला के पदाधिकारियों प्रवास, गाँव के लीडर्स का, एमएलए एक्स एमएलए का, और जो पार्टी के पदाधिकारी है, कितना प्रवास कहाँ कहाँ किया और आगे लिए क्या करना है, इस योजना के बारे में यहाँ आज बैठक की है, ताकि आने वाले समय में अब जल्दी अब अगले साल तो चुनाव होने वाले हैं, तो पार्टी कैसे मजबूत हो, सरकार की जो केंद्र सरकार है उसकी नीतियों को लेकर, हिमाचल सरकार की जो नीतियों को लेकर गाँव गाँव कैसे जाएँ, ताकि आने वाले समय में हम पाँचों की पाँचों सीटें कैसे भारतीय जनता पार्टी जीतनी है, इस पर चर्चा यहाँ की गई।